मैं बार बार पहले भी दरोगा के एग्जामिनेशन में जब पेपर लीक हुआ था उस वक्त भी मैंने कहा था कि क्या आम आदमी कॉमन आदमी जो जीनियस है क्या उसके लिए कोई संभावना है BPSC के द्वारा नौकरी में जाने का। दरोगा वाले बहाली में इसके पहले भी लीक आउट हुआ था और लगातार मैं इतना जानता हूँ कि मुझको आप ये बताइए कि 5 बजे से 9 बजे तक महिलाएं दूर से आती है वो आपको एग्जामिनेशन में उसको 9 बजे से 5 बजे तक रखते हैं स्कूल में, ये कौन सा प्रावधान है स्कूल में भी आपका सर का सबकी पॉलिसी गलत है आपकी। स्कूल में आता है 9 बजे से 5 बजे तक आप महिलाओं को बिठाएंगे, उसके बाद 5 बजे के बाद रात हो जाता है महिलाएं कैसे जाएगी। सारी पॉलिसी जो सरकार ये पदाधिकारी बनाती है अब BPSC मामले में है, इस कदर स्थिति बुरी है समझ में नहीं आता है कि जो BPSC का एग्ज़ाम दे के निकलता है जो टीचर बनते हैं उनको 2+2 उसको a+2b2-2 का पता नहीं। खुद KK पाठक जी ने कई लोगों से पूछा और उनको डिग्री आपको मिल जाता है स्कूल का, ये कहाँ से मिल जाता है जब वो लिखा नहीं जब तो कहाँ से मिल गया। इसका मतलब है कि जितने जीनियस लोग हैं वो सब आउट हैं और जितने पैरवी वाले और पैसे वाले लोग हैं सब भीतर हैं। दूसरी चीज़ जो KS दुबे जिसके चेयरमैन हैं और वो दरोगा मामले में बार पहले भी हुआ था आज भी फिर हुआ तो दो दो तीन तीन बार होने के बाद उसको आप पद पर बनाए रखिएगा, उसको आप हटाइएगा नहीं। क्यों भाई इंक्वायरी क्यों सेटअप नहीं होती है? मैं बार बार इसी बात को दोहराता हूँ। तीसरी चीज़ BPSC में आप जो लौकिक भाषा जो पहले भरते थे अब आप कह रहे हैं कि नहीं, उसके अलावा आप जैसे मैथिली नवी सूची में है भोजपुरी में लोग भी आ जाते थे लेकिन उसके बाद आपने जो है क्षेत्रीय भाषा को आपने हटा दिया। ये किस आधार पर आपने हटाया? तो ये लगातार जो चेंजिंग होती है इससे अत्यधिक परेशानी आम लोगों को होते जा रही है। इसीलिए हम चाहते हैं दरोगा भर्ती वाले जो क्वेश्चन लगातार आउट हो रहा है उसकी पूरी इंक्वायरी सरकार किसी वर्तमान न्यायाधीश के साथ किया जाए और जहां एग्जामिनेशन दिया जाता है उसका पूरा का पूरा CCTV फुटेज वहां लगे। CCTV फुटेज एग्जामिनेशन हॉल में लगनी चाहिए। ये क्या स्थिति है? क्या कोई लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं? क्या तो सब कुछ पता चल जाएगा।